जी का जो गाना है वो बहुत सुलझा हुआ है, बहुत ठहरा हुआ है, बहुत तरीके से गाती हैं और कोई भी जगह लेती हैं गाने में तो वो बिल्कुल साफ सुथरी होती है, बिल्कुल सही होती है। और यही कारण है कि हम जब घर में अपनी महफिलें करते हैं तो उसमें रागनी ज़रूर होती है और वो सबको घुमा देती है और सबसे अच्छा गाती है जितने लोग वहाँ बैठे होते हैं। तो रागनी की विशेषता है और हर गाने को सिर्फ गाना ही नहीं होता है, उस गाने को जीना भी होता है। तो पूरी मुस्कुराहट के साथ, उमंग के साथ ही गाती है। मैं समझता हूँ कि यही इसकी असेट है, तरीके से गाना, अच्छी तरह गाना, पूरे भाव से गाना, ये इसकी असेट है। अनुप जी, आपने अपनी पहचान भजन से ही बनाई, मतलब भक्ति संगीत और गीत से बनाई। आज के दौर में आप देखिएगा तो उस तरह से जिस समय आपने अपने करियर की शुरुआत की और जिस समय आपका गाना मशहूर हुआ था, उस तरह से आज के दौर में आप नहीं कह रहे कि कोई भी ऐसा भक्ति गाना बहुत मशहूर होता है या लोग उसको गुनगुनाते होंगे या याद रखते होंगे, तो कितना ये आपको लगता है कि एक नेगेटिव एस्पेक्ट है? नहीं, बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्योंकि आज भी हमारी जो देश की जनता है वो 75% तो गांव में रहती है और ये 25% शहरों में रहती है। तो वो जो 75% है वो तो भजन ही सुनती है, वो तो अपने अपने प्रांत के भजन सुनती है, वहाँ सीताराम राधेश्याम होता रहता है। तो मैं समझता हूँ कि हमारे देश में कभी भी भक्ति संगीत की, भक्ति भाव की कोई कमी नहीं होने वाली है। ऐसा कौन सा देश होगा जहाँ 15-20 तो रिलीजियस चैनल है, सुबह से शाम टीवी चैनल में वही सब होता रहता है, गजल का कोई चैनल नहीं है लेकिन भजन के 15 चैनल है। इसका मतलब है कि इसकी आवश्यकता है, इसको लोग सुनते हैं, चाहते हैं कि भजन कीर्तन हो, कथाएँ हों। तो उसी श्रेणी में ये आला रे आला आपके सामने है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि लोग नाचेंगे, गाएंगे, थकेंगे और उनके अंदर भक्ति भावना गणपति की ओर बढ़ेगी। अनुप जी, अभी आपने गजल की बात की, गजल हम गाते रहते हैं स्टेज पे, गजल में कितना माहौल है? देखिए, गजल में एक प्रॉब्लम आ जाती है कि गजल उर्दू लैंग्वेज में होती है, हिंदी में गजल नहीं होती है। कुछ लोगों ने लिखी है हिंदी गजल लेकिन वो इतनी ज़्यादा पॉपुलर नहीं है। दुष्यंत कुमार ने हिंदी गजल इतनी पॉपुलर लिखी है, उर्दू में ही गजल पॉपुलर होती है। और आज की जो नई जनरेशन है, यंग जनरेशन है, उसको ठीक से हिंदी नहीं आती तो उर्दू कहाँ से आएगी? यही वजह है कि आज की जनरेशन में गजल पॉपुलर नहीं हो पा रही। लेकिन भजन एक ऐसी चीज़ है कि जो बच्चा है वो जब एग्ज़ाम देने जाता है तो भगवान की मूर्ति के सामने नमन करके जाता है, ये उसकी आदत है, हर एक की आदत है कि कोई भी परीक्षा के लिए जाएंगे तो भगवान को प्रणाम करके जाएंगे। इसका मतलब उसके अंदर एक वो भावना है कि जो परम शक्ति है वो यही है और इसी के कारण हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए गजल का भविष्य मुझे बहुत अच्छा नज़र नहीं आता, लेकिन भजन का तो ऐसे रहेगा जैसा आज है। जी के बारे में ये कहना चाहूँगी कि एक 15 दिन के अंदर प्रोजेक्ट रेडी हुआ, गणपति आने ही वाले थे, एक महीना भी नहीं था गणपति को। मैंने चेतन को कॉल किया, चेतन एक गाना करना है गणपति का, वो बोला तू पागल है, अभी गाना करना है, 15 दिन बचा है गणपति को, तू बोल रही गाना करना है? मैंने कहा देखो कैसे भी करके हमको गाना करना है, अब तुम्हारे ऊपर सारी जवाबदारी, तुम कैसे करोगे? तो ही वॉज लाइक, इसने कोरियोग्राफ तो किया ही, इज लग्न मुबारक जो एक मूवी आया है मराठी, जिसके डायरेक्टर रह चुके हैं चेतन चावड़ा जी, और काफ़ी उन्होंने फिल्में करी हुई है मराठी में, काफ़ी अच्छा नाम है उनका, संजय जाधव जी के प्रोडक्शन हाउस में अपने किए हैं। तो ये एक्चुअली ये इतना इतना बड़ा टीम है जिनकी जिनकी तारीफ की जाए। मराठी गाना है तो सर सजेस्ट हिंदी आणि इंग्लिश मध्ये बोलले तर मी मराठी मध्ये बोलतो, कारण गाणं पण गणपतीच आहे आणि गणपती पण अख्ख्या जगाचे आहेत। तर साधारण 15 दिवसापूर्वी आमची भेटघाट झाली आणि म्हणजे गणपतीचं गाणं करायचं आहे आणि विचार असा आला की 15 दिवसात आपण कधी शूट करणार, कधी एडिट करणार आणि कधी सगळं होणार आणि कधी लॉन्च करणार गाणं, पण एक विश्वास होता या दोघांचा करूयात। गाणं ऐकलं टेबलवर जे होतं ना आणि म्हटलं की हां हे कर सकते, एका 2 दिवसात लोकेशन शोधून सगळी तयारी केली, कोरिओग्राफ केलं, हे इकडे रेकॉर्डिंग करत होते, मी पुण्यात कोरिओग्राफ करत होतो आणि शूटिंगच्या दिवशी मग जेव्हा डिरेक्ट करण्याची वेळ आली तेव्हा असं झालं की पाऊस प्रचंड होता, कारण सगळ्यांना ती परिस्थिती माहिती आहे की
सगळीकडे अख्ख्या महाराष्ट्रभरात पाऊस पडत होता, तरी आम्ही की गणपती बाप्पा आपल्या बरोबर आहेत, विघ्नहर्ता आहेत, तर ते नक्कीच आपल्याला साथ देतील. आम्ही एक शॉट घ्यायचो, सगळं पळत जायचो, परत कुठेतरी लपायचो, परत पाऊस थांबला की परत यायचो, परत एक शॉट घ्यायचो. आनंद होता की एवढं सुंदर गाणं मला कोरिओग्राफ डिरेक्ट करायला मिळालं, आणि यांनी माझा जो विश्वास दाखवला त्यासाठी मी सगळ्यांचाच खूप आभारी. आणि ये ठीक है जैसी है अच्छी है हमारी. इसके पहले भी इसने सारे गामा कंपनी के लिए रिकॉर्डिंग की थी, बहुत अच्छी, और वो भी मैंने सुनी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी. तो जब हमारे पास आती है घर और कभी कभी सीखने के लिए बैठती है, तो मैं इसको कहता हूँ कि तुमसे मुझसे ज़्यादा अच्छा गाती हूँ, मैं तुम्हें क्या सीखूँ. इतनी अच्छी आवाज़ इसकी घूमती है, उसके वेरिएशन अच्छे आते हैं, सफाई है गाने में. लेकिन हर एक कलाकार के अंदर अपने सीनियर आर्टिस्ट के लिए आदर होता है, इज्जत होती है, वो इसमें भरपूर है. और यही सब चीज़ें जो हैं कलाकार को आगे लेके आती हैं. आवाज़ आला रे आला हो गया, और उस आला रे आला ने जो बरसात शुरू की है तो पूछो नहीं, मुसीबत कर दी है मुंबई की. लेकिन फिर भी हमारी मुंबई जो है वो जोश में रहती है, उसी तरह गणपति फेस्टिवल उसी जोश में मनाया जा रहा है.